एवरीबडी कैन नॉट नो दिस व्हाट इज इस्लाम, और ये हम खुद नहीं जानते। ये जो सेक्स वाला शैतान है मेरे अंदर, तो ये क्या आदमी के अंदर होगा कि औरत के अंदर भी हो सकता है? दोनों के अंदर हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही के अंदर हो। हाँ, किन परिस्थितियों में सेक्स अलाउड होता है किसी को सेक्स करने की? निकाह, निकाह के बाद जी, शादी हो गई तो करिए। क्या इस्लाम को और इस्लाम में की जो वैल्यूज हैं उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है? लड़की को, महिलाओं को और फ्री करने की जरूरत नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, इलाहाबाद बदल दियो, सब बदल दो। कहाँ इलाहाबाद के अलावा किसी का नाम कहाँ बदला है? नहीं, अरे सर बनारस का नाम बदल गया, स्टेशन कौन सा स्टेशन है? अरे वो मुगल सराय है, दूसरा है। हाँ, बनारस का थोड़े बदला है, तो वही मुगल सराय है। हाँ। अरे भाई हम पढ़े लिखे हैं, आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी 1964। हमको कोई समझाएगा नहीं, हम मुलायम सिंह को हमने वोट दिया, हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को वोट दिया, हमने किसको वोट नहीं दिया? सिर्फ मोदी को नहीं देंगे। लल्लनटॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। एक पैसा उस जमाने में हम लोगों को बचपना थी, मतलब 40 साल 50 साल पहले आज से। हाँ, एक पैसा जो चलता था अंग्रेज जमाने वाला। हाँ, 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 हाँ। तो वो एक पैसा जुमे रात के लेते। हाँ, आप दिन पढ़ाओ तो एक पैसा जुमे रात के दिन लेते। हाँ, 100 लड़के पढ़ाओ तो 100 पैसा पाओ। अब आप 100 पैसा में एक दिन का ये होता था कि 100 8 दिन में एक पैसा मिलता। एक पैसा जुमेरात से जुमेरात तक पढ़ाते थे, तो एक पैसा जुमेरात, शुक्रवार से शुक्रवार तक। नहीं, जुमेरात जुमेरात तक तो बंद रहता था। अच्छा, शुक्रवार के एक दिन पहले से लेके गुरुवार के, गुरुवार के, गुरुवार से गुरुवार तक, शुक्रवार को तो बंद रहता इसको। हाँ, और उसी में वो अपना घर चलाते थे, अपना पेट पालते थे। कितने साल तक यहाँ एक्टिव रहे बलरामपुर में? ये यही पैदा हुए बलरामपुर में। इनके इनके दादा, इनके बाप जो थे बहुत बड़े मुफ्ती थे। अच्छा। जिनका मजार बना हुआ अंधारीबाग में। अच्छा। उनका नाम में ये बना हुआ है, अनुल्ला साहब, उनका मजार है। अनुल्ला साहब, अनुल्ला साहब चिश्ती। अच्छा। इनके वालिद थे। अच्छा। उनके दो लड़के थे, एक थे फखरुद्दीन अहमद, एक शमसुद्दीन थे। दोनों आलिम थे, दोनों मुफ्ती थे अपने जमाने के। बलरामपुर में हम लोग आ गए हैं और बलरामपुर में चाचा लोग से बैठ के बतिया रहे थे, तो इतनी सुंदर जानकारी मिली, हम आप लोगों से शेयर करेंगे। विजय दिखाओ अपने राइट साइड में, द लेफ्ट साइड में, सॉरी, आपको दिखाई दे जाएगा अहले सुन्नत फखरुल उलूम अरबी कॉलेज बलरामपुर। पढ़ाई होती है, अभी भी चलता है ये? मुझे आके लोगों से बतिया के पता चला कि बहुत सालों तक, कितने साल तक लगभग चला है ये? चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, पहले मंदिर के ऊपर जब चलता था ना, पता नहीं क्या प्रकार, हम लोग 50 साल पहले तक, पहले ये 50 साल पहले मंदिर के ऊपर पढ़ाई होती थी। ये खूबसूरत बात पता चली कि ये कॉलेज जो है, यहाँ पे एक मंदिर है पास में, बगल में सटा हुआ, मंदिर के ऊपर किराए पे पढ़ाई की जाती थी और अरबी पढ़ाया जाता था ना, और फिर पैसा वैसा जुटा के अलग से बनाया गया कॉलेज। ये अपने चंदा से मांग करके उन्होंने इसका तामीर किया, 4 कमरे का, धीरे, हाँ, चंदे के पैसे से। अब ये चंदे के पैसे चल रहा था तो बाद में एडिट हुआ है, इससे पहले चंदे ही से चल रहा था ये मदरसा। कितने मदरसे होंगे अभी बलरामपुर में? तो मैंने बताया, लेकिन मदरसे तो बहुत है। हाँ, ये कि अनवार कुरान मदरसा, अरबिया अनवार कुरान आगे है बड़ा, एक ही है डॉक्टर मस्जिद मोड़ पे। कुल कितना मदरसा होगा बलरामपुर में लगभग? अंदाजा मोटा मोटी 5-7-10। दस बारह मदरसा होगा, छोटा बड़ा मिला के, जिसमें एडिट दो ही हैं, एडिट दो ही हैं, बाकी सब अपने अपने आप पढ़ाते हैं। इसे अपने चंदे पे, चंदा में जकात जिसको कहते हैं, जकात वही होता है, फितरा से, जकात फितरा से वो मदरसा चला रहे हैं। हम लोग चंदा दिए तो आप चला रहे हैं कि लोगों को पढ़ाने के लिए? या जुमेराते हो चलता है मदरसे में, जुमेराते भी जैसे बता रहे थे अभी आप, जुमेरा 8 दिन में। अभी तो एक पैसा नहीं लेते होंगे ना? पेड़ भरा है, अब एक आदमी की नौकरी रखे को होते तो 35-30 लाख रुपया डेकोरेशन लेते हैं, तब नौकरी देते हैं। ये सदर सेक्रेटरी और मैनेजर के हाल है, जो मदरसा एडेड है वो लोग तो अब तो अच्छा पैसा पा रहे हैं ना, सरकार से जो पैसा जो एडेड जो है वो अच्छा पैसा पा रहे हैं, और जो मतलब वैसे हैं टेम्परेरी मदरसे
वो जुमेराती पे चलते हैं या चंदा से चलते हैं, सदका फितरा खैरा से चलते हैं। ये मदरसों को लेके, मदरसों पर का जब एड दिया जाता है, जब सरकारी सहायता दी जाती है मदरसों को, तो कहा जाता है कि मदरसों में सरकारी सहायता इसलिए भी दी जा रही है कि ताकि वहाँ पे शिक्षा क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या लिखाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, उसको सरकार भी देखती रहे। सरकारी एड मदरसों को मिलने पे, बच्चे लोग मदरसे में पढ़ते होंगे बहुत सारे यहाँ पे, है ना, क्या सोचते हैं आप लोग? पढ़ाई होना चाहिए मदरसे में, सरकारी एड। हाँ, सरकारी एड मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ, और मदरसों में क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे? अरबी है, मौलवियाना है, हाफिजा है, और एक से लेके आठ तक, एक से आठ तक के मतलब ये पढ़ाया जाता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी। अच्छा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी सब। और क्या ऐसे विषय जो गणित और विज्ञान जैसे विषय, विज्ञान, साइंस सब पढ़ाया जाता है, सब पढ़ाया जाता है। क्योंकि मैं सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूँ ना अंकल, कि बहुत सारे लोगों के अंदर ना ये एक मन में ये भी सुनाई देता है लोगों को कि यार मदरसों में ना केवल अरबी, फारसी और उर्दू और मौलवियत और हाफिजियत पढ़ाई जाती है, बाकी और कोई सब्जेक्ट वब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। सब पढ़ाया जाता है, पूरे यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, नीचे आठ तक की पढ़ाई, मैथ पढ़ाई जाती है, नीचे आठ तक की पढ़ाई होती है, हिंदी अंग्रेजी सब, और ऊपर नहीं पढ़ाई होती है। आलिम है, हाफिज है, कारी है, ऊपर पढ़ाए जाते हैं, ऊपर पढ़ाए जाते हैं, ऊपर क्लास में। अच्छा, मदरसे की, मदरसे में जो पढ़ाई होती है उसको लेकर आप लोग का क्या सोचना है? क्या, क्योंकि देश में एक बहस चलती है ना कि मदरसे को, आप लोग सुनते होंगे टीवी में कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, मदरसों को पढ़ाई नहीं होना चाहिए। ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। मदरसे में सिर्फ दीनी पढ़ाई होती है, और उसमें जो कहा जा रहा है कि आतंकवाद होते हैं, फलाना है, धमाका है, 100% गलत है। सिर्फ उसमें दीन की ही बात बताई जाती है, और कोई बात नहीं बताई जाती है, सिर्फ दीन की बात बताई जाती है। आप लोग जब इस तरह के इल्ज़ाम सुनते हैं कि मदरसों में दीनी तालीम के अलावा तमाम तरीके के गलत काम सिखाए जा रहे हैं, आप लोगों को सुन के कैसा लगता है? गलत है ये, बहुत बुरा लगता है, ये बुरा लगता है। हाँ, ये बुरा लगता है, गलत है, ये बहुत गलत बात है, ये बुरा लगता है। और कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि मदरसे वगैरह जैसे संस्थान जो हैं वहाँ पे दीनी तालीम क्यों ही दी जाए किसी को, मतलब धर्म की शिक्षा क्यों दी जाए? कोई धर्म मानना है तो अपने से माने, क्योंकि अपनी पढ़ाई करे, अच्छे स्कूल है, सरकारी स्कूल चल रहे हैं, वहाँ पढ़े लिखे। आप लोग इस पर क्या सोचना होता है? अच्छा हो, कोई कोई ज़रूरी कि सब लोग अपने बच्चों को अरबी तालीम देते हैं, तमाम लड़के इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तमाम लड़के बाहर स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पाँच जैसे कि चार बच्चे हैं तो तैयारी होना तो कुछ ना कुछ ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे नमाज पढ़ने के लिए या कुरान शरीफ पढ़ने के लिए वो इतनी तालीम देना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। अब दौर हाजिर में जैसे साइंस पढ़ाया जाता है या और दीनी और दूसरे मजमून है वो भी पढ़ाया जाता है, तो हम लोग उसको भी पढ़ाते हैं। थोड़ा दीनी तालीम भी देते हैं हम लोग, जरूरी होता है देना, जरूरी है। अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो कल को मस्जिद में जाके नमाज कैसे पढ़ेगा? मान लीजिए कोई पेरेंट ना पढ़ाना चाहे अपने बच्चों को, तो दीनी तालीम ना देना चाहे? जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर मुसलमान है, मुसलमान है तो अरबी तालीम जरूर देगा अपने बच्चों को, अगर मुसलमान नहीं तो नहीं पढ़ाएगा। इसलिए जब मरेगा तो उसके कब्र पे फातिहा पढ़ने कौन जाएगा? जब उसका बच्चा पढ़े ही नहीं अरबी तो अपने बाप के लिए क्या दुआ मांगेगा? अल्लाह से क्या दुआ करेगा? अपने बाप के लिए, अपने माँ के लिए क्या दुआ मांगेगा वो कब्र पे जाके? इसलिए अरबी तालीम ज़रूरी है, मुसलमान अपने बच्चों को देता है कि मरने के बाद हमारे कब्र पर हमारे बच्चे फातिहा पढ़ने के लिए आएँ। ऐसे मुसलमान होंगे आप लोगों के बीच में तो होते ही होंगे जो अपने बच्चों को नहीं देते होंगे इस तरह दीनी तालीम, मदरसे को नहीं भेजते होंगे? मतलब 100 में 100 मुस्लिम देते भेजते हैं मदरसे में, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग मॉडर्न स्कूल में, पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं। जो लोग मॉडर्न स्कूल में पढ़ाते हैं वो अपने घरे अरबी मौलवी रख करके वो अपने लड़कों को ट्यूशन पढ़वाते हैं अरबी अपने घरों में ट्यूशन पढ़वाते हैं, अपने घर पे रखते हैं। अच्छा, हाँ, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो अपने घर पे वो पढ़ाते हैं मौलवी की तरफ से। आप थोड़ा सा कुर्सी लेकर अंदर आ जाएं आप। अरे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। अरे मुझे पता है सही बता रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप भी सही बताएं। अच्छा देखिए अंकल, बात ये हो रही है ना, अब देश में बहुत, यहाँ बैठ जाता हूँ मैं, ठीक है? खाली हो गया, मैं बैठना चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं सर, आपकी मर्ज़ी। हाँ देखिए, बात ये हो रही है, बुलाओ यहाँ उनका। अरे ठीक 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 ठीक, अरे कुर्सी मंगवा ली और लोग बैठ जाएंगे। ये बताइए कि इस्लाम में
जिस तरह की बात हो रही है, अब हम लोग देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं एकदम साफ साफ कहूँगा, इस्लाम के बेसिक सिद्धांतों पे बात कर रहा हूँ, जिन आधार पे इस्लाम टिका हुआ है या जिन सिद्धांतों की बात होती है इस्लाम में, ठीक है। चलिए आप यहाँ बैठे बैठे, आप बैठे, अरे मैं खड़ा रहूँगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ों, अरे आराम से, एकदम आराम से बैठिए। अच्छा ठीक, मैं बैठ जा रहा हूँ, आपके साथ ही बैठ जा रहा हूँ। इस्लाम के बारे में ना बहुत सारी, ठीक, मैं सवाल दो तीन बार दोहरा चुका हूँ, शुरू कर दे रहा हूँ। इस्लाम के सिद्धांतों के बारे में बात होती है कि इस्लाम कितना सुधरा हुआ, कितना सुधारवादी धर्म है। मतलब जब हम लोग बात करते हैं कि औरतों को घूंघट करना चाहिए कि नहीं, तो फिर बात होती है कि महिलाओं को इस्लाम में महिलाओं को हिजाब बुरका पहनने को बोला जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि इस्लाम में महिलाओं की मर्जी नहीं है, पुरुष उन पे थोपते हैं, ये पुरुष थोपते हैं उन पे। ये गलत है, ऐसा नहीं है, वो ज़बरदस्ती नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। क्या बोल रहे हैं, दुनिया में हर चीज़ के कानून के किताब होते, तरीका होते हैं, तो हमारे यहाँ जो कानून की किताब है वो है कुरान अजीम। अब रहा ये कि इतने लोग खड़े हैं, एवरीबॉडी कैन नॉट नो व्हाट इज इस्लाम, ही नो ओनली द फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, और ये हम खुद नहीं जानते कि इस्लाम है क्या। नोबडी नोज द इस्लाम व्हाट इज, हाँ व्हाट एवरीबॉडी, ये मौलाना लोग जो हैं, ये 65,000 रुपया जो पाते हैं, मौलाना बंद हो गया है, अभी बंद है जेल में, लखनऊ जेल में, आप देखिएगा उसका FIR जो है वो वहाँ हजरतगंज थाने से हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते कुछ नहीं है, हम लोग जब यहाँ पढ़ते थे तो पाखाना जाते वक्त दुआ, पाखाना से आते वक्त दुआ, मस्जिद जाते वक्त, मस्जिद से आते वक्त, कैसे अपने वालदैन से मिला जाए। अब हम तो फंडामेंटल बस यही, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और कोई इस्लाम जानते नहीं, इस्लाम कौन चीज़ है। क्यों बताइए, अंकल आपका नाम क्या, बताइए मुझे, आप वाजिब वाजिब बातें कर रहे हैं, ज़रूरी बातें कर रहे हैं, क्या नाम है? हमारा नाम है अब्दुल शहीद लासानी। ठीक है, मैं क्या करके बुलाऊं, शहीद जी बोला के बुलाऊं, चाहे जो बुलाइए, यस एवाई जबली जी है, सईद, सईद, ठीक है, सईद साहब, सईद साहब ये बताइए, तब इस्लाम की बात हो रही है तो इस्लाम के फंडामेंटल्स लोगों को नहीं पता, आप जैसा कह रहे हैं, ठीक है, इस्लाम के बारे में नहीं पता, जब सबको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जितना कह लिया तो इतना ठीक है, इस्लाम की दुआ सलामी हो गई लोगों के हिसाब से। आप ये बताइए कि इस्लाम के फंडामेंटल्स हैं क्या, जब मैं खुद नहीं जानता हूँ तो आपको क्या बताऊँ, जब मैं खुद नहीं जानता हूँ तो आपको क्या बताऊँ। पर्दादारी की जब बात हो रही थी, हाँ ये कुरान के अंदर है पर्दे हिजाब के लिए, और सख्त ताकीद है, यानी सख्ती से कि पर्दा की, एक बात बताइए आप कि एक 20 साल की 18 साल की लड़की है और एक 20 साल 18 साल का एक लड़का है, अगर दोनों एक कमरे में अगर सो रहे हों रात में तो डर तो कुछ नहीं है, मगर शैतान जो हमारे साथ है वो हमारे दिल में एक शहवत पैदा करता है। दिल में क्या पैदा करता है? हमारे दिल में गुदगुदी लगाता है। अच्छा। कि हम ऐसा करें, अब सेक्स वाला भी बात करता है, सेक्स की बात करता है कि सेक्स करें, हम सेक्स करें तो हो सकता है कि हम कर बैठें, इसलिए मतलब आप ये सेक्स वाला जो शैतान है, लड़के लोग बच्चा लोग तुम्हारे साथ किनारे चले जाओ, ये जो बच्चों को हटा लीजिए, ये जो सेक्स वाला शैतान है मेरे अंदर, तो ये क्या आदमी के अंदर होगा कि औरत के अंदर भी हो सकता है? दोनों के अंदर हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही के अंदर हो। हाँ। दोनों के अंदर हो सकता है। हाँ। मगर जो पहल करे, जैसे मर्द ने पहल किया तो इसके अंदर हो सकता है, जो औरत पहल करे तो उसके अंदर हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हर धर्म में होता है ये, ऐसा शैतानिया तो ये सब। अच्छा, मतलब मैं इसको लेके ना, ये मेरे लिए थोड़ा सा हास्यास्पद भी है। हाँ, मुझे इसको सुन के मैं थोड़ा सा ना एक चूहल भी करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कि मैं, मेरा धर्म मान लीजिए कुछ भी है, ABCDXYZ कुछ भी हो सकता है मेरा धर्म, लेकिन अगर आप कह रहे हैं हर धर्म में इस तरह की चीज़ें, मेरा सेक्स करने का मन कर रहा है तो मेरे अंदर शैतान है, ऐसा हो सकता है क्या?
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो सकता है ऐसा भी नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ पे शख्स की बात आती है वहाँ पे शैतानियत हावी होता है। शख्स पे शैतानियत का हावी होना जरूरी है, वही पैदा करता है शख्स को। ऐसे आदमी तमाम लोग नपुंसक नहीं है, बहुत लोग नपुंसक होंगे भी तो उनके अंदर तो शख्स नहीं जागता है, लेकिन जिसके अंदर मर्दूनगी ताकत है उसके अंदर तो शख्स पैदा ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं बंगल जी, क्या जर्दा खाना है क्या आपको? जी हाँ। थोड़ा सा रुक जाइए, कैमरे पे खाएंगे अजीब लगेगा। ठीक है। तो सईद साहब ये बताइए, आप इस का नाम क्या है? अहमद जी, महमूद अहमद। ठीक है, मैं क्या कह के बुलाऊँ, महमूद अहमद पूरा नाम बोलूँ? हाँ ठीक है, आप जो कहें जिसमें आपको सुविधा हो। ठीक है, कि अब ये बताइए, जैसे अब ये बात हो गई मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि अब जैसे आप कह रहे हैं कि तब इस्लाम में किन परिस्थितियों में सेक्स अलाउड होता है, किसी को सेक्स करने की? निकाह, निकाह के बाद जी, शादी हो गई तो करिए, उसके पहले शैतान वाला काम है हमारे यहाँ किताब में, कानून के किताब में। और एक बात और करता चलो जी भैया, बताइए कि जुर्म जो है वो किसी को माफ़ नहीं है कि हमने हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो इसके मतलब ये है कि नमाज हमको माफ़ हो जाएगा? नहीं, हमको ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तो हाँ अल्लाह मियाँ माफ़ कह दे हैं, कहे अल्लाह मियाँ माफ़ कह दे हैं, जब किताब महा जुर्म है, चोरी हमने किया है तो उसकी तो सज़ा हमको मिलना चाहिए। बस संक्षिप्त में ये है। अच्छा, अब बात वहाँ अटक गई अंकल, जो हम लोग बात कर रहे थे पर्देदारी की, वहाँ वो बात पूरी नहीं हो पाई ना। हाँ, तो आप बता रहे थे कि लड़का लड़की को एक कमरे में बंद कर दो, शैतान जिसके ऊपर जागा उससे बचाने के लिए है पर्देदारी। हाँ, पर्देदारी उससे बचाने के लिए। अच्छा, अब एक चीज़ और तो है, हमारी माँ बहन बेटियाँ बाजार में जाती हैं, अगर ये थोड़ा सा पर्दे से हैं तो क्या ऐब है? तो इसमें क्या ऐब है अगर हिजाब से ये जाती हैं, या कॉलेज अगर ये जाती हैं और हिजाब से जाती हैं, वहाँ कॉलेज में अपने बुरक़े को उतार देती हैं, सब क्लास में जाती हैं, तो उसमें क्या ऐब है? और कोई महिला ना पहनना चाहे तो? हाँ, तो कोई ना पहनना चाहे, जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई उसे घर में नहीं बोलेगा उसको ना कि भैया तुम पहन के जाओ वरना निकलो कर। नहीं नहीं, अगर उसका सवर चाहे तो वो जबरदस्ती कर सकता है, शोहर जबरदस्ती कर सकता है। हाँ, उसका अगर लड़की शादी नहीं हुई है, बाप चाहे तो उसको जबरदस्ती कर सकता है। औरत के ऊपर तो मर्द का ही कंट्रोल हुआ ना आखिर में, लेकिन औरत अगर लड़की जवान भी है तो अगर माँ बाप चाहें उसको जो है तो उसको पर्दे से घर में बाहर निकालेंगे उसको, ये हो सकता है अगर वो चाहें तो। मतलब मिला जुला के लड़की के ऊपर बस किसका चल रहा है, मर्द का ही चल रहा है? हाँ, मर्द का चलेगा, माँ का, माँ का भी चलेगा, माँ भी, माँ से भी, माँ का थोड़ी होता है, माँ तो चाहेगी तो उसको निकलने नहीं देगी बगैर पढ़ देगी। अच्छा सर, आप लोगों को नहीं लग रहा है कि हम लोग, आप लोग, मैं इस तरह की बहस कर रहा हूँ आप लोगों से, मुझे माफ़ करेगा गुस्ताखी, अगर कहीं गड़बड़ी हो जाए तो, क्योंकि धार्मिक आस्थाओं का प्रश्न है ना, मामला धर्म का है ना, हम गड़बड़ा नहीं जाएगा ना मामला। अब आप लोग बता रहे हैं कि भैया बलरामपुर में कभी भी हिंसा नहीं हुई हिंदू मुसलमान, तो मैं थोड़े चाह रहा हूँ कि मेरे वीडियो के बाद हो जाए, नहीं ठीक है। अब ये बताइए, जैसे ज़माना इतना आगे बढ़ गया, इतनी ज़्यादा साल 2024 चल रहा है, अभी आज साल और आगे बढ़ेंगे, क्या इस्लाम को और इस्लाम में की जो वैल्यूज़ हैं उसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है? लड़की को, महिलाओं को और फ्री करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तक के डोम तक नहीं है आर्डर, आज से टुडे फ्रॉम डोम, कयामत तक ये बदला नहीं जाएगा, ऐसे ही रहेंगी औरतें, हमारे यहाँ कानून ऐसा रहेगा। जो इस्लामी कानून है शरिया वाला, उसको क़यामत तक कोई बदल नहीं सकता है, कुरान और हदीस की बात को कोई टाल नहीं सकता है मुसलमान। नहीं, वो तो ठीक है, अब जैसे हिंदू धर्म में भी एक किताब हो गई, गीता हो गई, या कुछ भी वेद हो गए, या कुछ भी तमाम चीज़ें हैं, मानस है, धर्म की बात है, वो अपने धर्म से चले। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब उनके यहाँ जो लिखा गया हिंदू धर्म में जो लिखा गया, वो तो कभी बदला नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो तो सालों साल, लाखों करोड़ों साल पहले लिखा दिया। अब जैसे पैर का पूजा है, बाप पैर पूजता है बेटी का, ये बदला नहीं जाएगा, ये कभी नहीं बदला जाएगा। तो इस तरीके से है, अब इसको चाहे जो जैसे जिसकी तबीयत हो करे, जिसकी तबीयत ना हो ना करे, ना करे, बात खत्म।
अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग कि मैं चुनाव उनाव पे बातचीत नहीं करूँगा आपसे, ठीक है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा आप लोगों से कि 10 साल हो गए देश में एक पर्टिकुलर सरकार काम कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, भाजपा की सरकार काम कर रही है, उसके ठीक पहले 10 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। आप लोग सरकारों के कामधाम को, नरेंद्र मोदी के कामधाम को कैसे देखते हैं? क्योंकि अच्छा नहीं देखते हैं। अच्छा सवाल तो पूरा होने दीजिए। नहीं हो गया पूरा, इसलिए अच्छा नहीं देखते हैं। उन्होंने आज तक एक किसी मुसलमान को दिया एक टिकट, और उस जमाने में कांग्रेस के तो परसेंटेज देखा जाता था, परसेंटेज कुछ नहीं। अब चाहे जितना एडमिनिस्ट्रेशन इनका अच्छा हो, मगर हमारे लिए, हम माइनॉरिटी की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम अपने सेल्फ की बात कर रहे हैं। मुसलमानों की नहीं, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, ओनली सईद सईद साहब की अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। हमको पसंद नहीं, आई डू नॉट लाइक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो है नरेंद्र मोदी एंड शाह, अमित शाह। अमित शाह, व्हाई डोंट यू लाइक सर? बिकॉज ही इज एग्जाइल फ्रॉम गुजरात। ओके, शाह इज एग्जाइल फ्रॉम गुजरात, अभी आए हैं उनके साथ, चाहे होम मिनिस्टर हो जाए चाहे भी कुछ हो जाए। बट ही वाज एग्जोनरेटेड ना लेटर। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हैं शाह साहब, शाह साहब या और कोई साहब, जितना है मुल्क के नामे बदल दें, अरे हिंदुस्तानी बदल दें, और कोई चीज़ नहीं मिला है। अरे भाई अहमदाबाद बदल दियो, मेरठ बदल लियो, मुर्शिदाबाद बदल लियो, इलाहाबाद बदल लियो, सब बदल लियो। कहाँ इलाहाबाद के अलावा किसी का नाम कहाँ बदला है? नहीं, अरे सर बनारस का नाम बदल गया था उसको। अरे नहीं अंकल, हम बनारस के रहने वाले हैं। अरे आप बनारस के रहने वाले, तो बनारस का नाम क्या हो गया है? स्टेशन कौन सा स्टेशन है? अरे वो मुगल सराय है, दूसरा हाँ, है हाँ, बनारस का थोड़े तो, बदला है तो वही मुगल सराय हाँ। सॉरी मुगल सराय वही है हाँ। मुर्शिदाबाद का भी नाम नहीं बदला है, मेरठ का भी नाम नहीं बदला है, बहुत जगह बदल गया। कल गड़बड़ कहाँ से, कौन बोला आपको, कौन लड़का बताया, बताइए उसको हम समझाएं। अरे भाई हम पढ़े लिखे हैं, आई एम आल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी 1964। हमको कोई समझाएगा नहीं, मैं पागल भी नहीं हूँ। अरे हम कब बोले? मैं पागल भी नहीं हूँ। आप लोग कभी ये सोचना है सरकार के बारे में? सरकार के बारे में क्या बोले, आप जो चचा मियाँ बता रहे हैं वही सही है, और क्या बताए। सहमत हैं उनसे आप लोग? बिल्कुल सहमत है। आप लोग भी सहमत हैं इनसे? सब काम अच्छा कर रहे हैं, सब काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो भाईजान बताए हैं वही बात सही है। अरे भाई हम तो हिंदुओं को वोट देते हैं, हम मुसलमान को तो वोट देते नहीं हैं। हम मुलायम सिंह को हमने वोट दिया, हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को वोट दिया, हमने किसको वोट नहीं दिया? सिर्फ मोदी को नहीं देंगे, इसलिए कि मोदी साहब अगर एक मुसलमान को अगर टिकट दे देते तो उनको 100 बार वोट हम देते। अच्छा लेकिन अभी तो 14 में दिया भी गया है ना, 14-19 में दिया भी गया था ना, क्या वोट उनको? हाँ उनको, उन लोग को उनको वोट मिला, मुसलमानों का वोट मिला, मुसलमानों को मिला था। इलेक्शन में जो विधायकी हुआ इसमें तमाम मुसलमानों ने MLA वाले में वोट दिए हैं, बीजेपी को वोट दिए हैं। पुलवामा कांड हुआ था तो उनको वोट मिला था मोदी जी को, मुसलमानों का? हाँ मुसलमानों को मिला था। अच्छा हाँ, अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, अभी मोदी जी का इंटरव्यू हो रहा है, बहुत सारा आ रहा है इंटरव्यू वगैरह में, मोदी जी बोल रहे हैं कि हम तो भाई मेरा घर जहाँ पे है अहमदाबाद में, जहाँ पे उनका घर है, वो वहाँ पे उस घर के आसपास मुसलमानों की बसावट रही है, हम उनके घर ईद पे जाते थे, वो हमारे घर बाकी त्यौहारों पर आते थे, तो बोल रहे थे कि अभ्यास पैदा हुई हुआ। गोरखनाथ मंदिर आप देखे हैं? आप गोरखनाथ मंदिर के दाएं बाएं कम से कम 5,000 नहीं 10,000 मुस्लिम बिरादरी के लोग बसे हुए हैं, जो अंसारी बिरादर के हैं, तो इसको आप कहां तक देखेंगे? हमारे घर के पीछे अब इस मोहल्ले में सब हिंदू बसे हैं, तो हम कह देंगे हमारे घर के पीछे हिंदू बसे हैं? तो इससे मतलब उसको व्यवहार निभाना चाहिए, हिंदू मुसलमान की बात है तो व्यवहार बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं थे तो ये सामने वाली बिल्डिंग में आकर यहीं ठहरते थे, ये जनसंघ कार्यालय यही था, पहले जनसंघ कार्यालय यही था, यहीं पे ठहरते थे, यहीं पे रुकते थे अटल जी और यहाँ पे सारे मुसलमान यहाँ हम लोगों से बात करते थे। अच्छा वाजपेयी जी, इसमें एक कुआं था, उसी पे जब नहाते थे
तो नहाते थे, 4 इंची की दीवार थी 4 फुट की, उस पर हम लोग खड़े होते थे और हंस हंस के नहाते थे, बात करते थे। अटल जी को सामने से देखे आप? आए अटल जी को इतना सामने से देखे आप लोग? फर्स्ट टाइम यहीं से जीत कर गए थे। भाई राजनीति तो हार गए, सविता जोशी से लड़े थे एक बार, हार गए थे, दोबारा लड़े थे जीत गए थे, उसके बाद यहाँ से फिर गए भी दोबारा नहीं आए यहाँ। बलरामपुर हुआ करती थी है ना, फिर परसीमन में नाम हम बदला इसका? नाम नहीं बदला, बलराम ही पूरे परिसीमन के बाद नाम बदल के श्रावस्ती लोकसभा हो गया, श्रावस्ती लोकसभा हो गया। यहाँ पे अटल जी जब बैठते थे तो शतरंज खेलते थे इस कार्यालय में, जनसंघ कार्यालय में। अच्छा, तो यहाँ जनसंघ कार्यालय में जाते थे आप लोग? हाँ, हम छोटे छोटे थे, हम लोग छोटे छोटे थे, तो बाउंड्री के बाजू में है कार्यालय, करते थे यहीं पे उनके साथ में, ये बैठ कर वहीं होटल पे चाय पीते थे वो लोग, तमाम ये बंगाली जो थे उसके मार्शल लोग सब वहीं बैठ के सतन खेलते थे सब लोग। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं थी, वहाँ बहुत अच्छे आदमी थे, वो नंबर एक आदमी थे। कभी हिंदू मुसलमान के बाद सारे मुसलमान को बुलाकर शतरंज खेलते थे मुसलमानों के साथ बैठ के, सिराज थे, मुबीन थे, गुलाम थे, इन लोगों को बुलवाते थे, बैठ के शतरंज खेलते थे दिन भर, 5 बजे शाखा पर चले जाते थे, अब प्यार मोहब्बत से रहते थे, कोई बातें ही नहीं थी बलरामपुर में। ठीक है, तो और कुछ कहना है अंकल आपको? नहीं कुछ नहीं, कुछ कहना तो कह लीजिए। हाँ, सिर्फ ये पूछना है कि आप किस चैनल से तशरीफ लाए हैं? मेरा चैनल का नाम है लल्लन टॉप सर। लल्लन टॉप? बढ़िया नाम है ना? हमको नहीं पसंद है नाम, बढ़िया है कि नहीं? हमको पसंद ही नहीं है, पसंद नहीं आ रहा है नाम, चैनल पसंद आया है? हाँ आए, हम पसंद आए कि नहीं? हाँ, यू आर वेरी गुड, हम पसंद आए ना? हाँ हाँ, अरे बस हम सही चैनल है। ठीक है, ठीक है अंकल। अरे सब पूछ नहीं के देखा चाहिए तो देखिए, अब पीरी बतिया के यानी से हम पसंद आ गए बहुत। ठीक है, चलिए, ललन टॉप देख रहे थे आप, बहुत बहुत शुक्रिया।